हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर शाजू। वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज अपना रिएक्शन वीडियो एंग्री प्रेस के ऊपर, एंग्री प्रेस के ऊपर मतलब एंग्री प्रेस के वीडियोस के ऊपर है गाइस, गलत मत समझो आप लोग। तो आज अपन रिएक्शन करने वाले एंग्री प्रेस के वीडियो के ऊपर, जिसका नाम है दिवाली डबल धमाका। तो अपन इसके ऊपर रिएक्शन करने वाला हूँ मैं। अरे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ये वीडियो मिल गया जो रिसेंटली अपलोड हुआ है यूट्यूब पे 5 दिन पहले। तो अपन इसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक रहो गाइस, बहुत मजा आने वाला है। क्यों बोलते हैं, एंग्री प्रेस के वीडियोस कभी किसी को डिसअपॉइंट नहीं करे, सोए फुल मजा आता, फुल बकचोदी रहती वीडियोस में। तो फिर अभी अपन भी बिना बकचोदी के वीडियो को देखना चालू करते हैं। तो आ जाओ आप लोग अभी स्क्रीन पे। कैसा बन रहे, तो चलो अभी अपन वीडियो को चालू करते हैं गाइस। चाहे हो आपकी घर वाली या चाहे बाहर वाली, सब मिलके मनाते हैं दिवाली। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये लाइट कैसे चली गई बे? भाई मीटर पे किसी ने रॉकेट छोड़ दिया। रॉकेट में जीपीएस क्यों नहीं लगा लेते तुम लोग? जीपीएस तो है, लेकिन पता नहीं मैं जब भी यूरेनस का लोकेशन डालता हूँ तो रॉकेट आपकी बम की तरफ क्यों चला जाता है, ये देखो। ए, नहीं, 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 नहीं। मजनू, दिवाली पे हमारे घर में कौन आती है? भाई लक्ष्मी आती है। नहीं नहीं, वो तो जाती है, सोन पापड़ी आती है। हाँ लक्ष्मी तो अमीरों के घर में आती है। नहीं, उनके घर काजू कतली जाती है, और काजू कतली के आगे कोई हो सकता है क्या? अली भाई भाई बहुत भारी था ये। हाँ तो कहा था मैं, वो काजू कतली। हाँ तो काजू कतली से आगे कोई हो सकता है क्या? अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई, सब सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। ये ले सोन पापड़ी, हैप्पी दिवाली। ये बहुत भारी था गाइस, ये बहुत बोल तो बहुत भारी है। जो रिसेंटली ट्रेंडिंग में जो चला है गाइस, उसी चीज को ट्रेंडिंग में लाने के लिए बहुत जिगरा होना गाइस। काजू कतली ने युगो युगो से सोन पापड़ी पे राज किया है। बेचारी सोन पापड़ी अभी तक इसी इंतजार में है कि एक दिन कोई सोन पापड़ी का बेटा रॉकी बनके उन्हें काजू कतली की केजीएफ से बचाएगा। ए, सिल्वर ठीक से लगा, मेरा दाम कम नहीं होना चाहिए। जी मालकिन, एक दिन मेरा बेटा रॉकी इससे बदला लेगा, बहुत सारा चांदी लेके आएगा मेरे लिए। ए पागल औरत, मैं भी सोन पापड़ी हूँ। बात बता, ये सुरसुरी के डब्बे पे कटरीना कैफ क्या कर रही है? भाई सुरसुरी की ब्रांड एम्बेसिडर होगी। ये सेलिना गोमेज भी ब्रांड एम्बेसिडर होगी लवंगी बॉम्ब की। नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये वही लोग होते हैं जो सलोन के बाहर जैन मलिक का फोटो लगाते हैं, और बाल काटने के बाद लोग अनु मलिक बन के बाहर आते हैं। ये देखो लग रहे हो ना एकदम जैन मलिक। हाँ भाई सब लग तो रहे। अरे हमने तो पूरा वन डायरेक्शन का बाल अलग अलग डायरेक्शन में काटा है। एक को तो हमारी कटाई इतनी पसंद आ गई, उसने अपना नाम बदल कर हेयर स्टाइल्स रख दिया। हाँ इसलिए बैंड टूटा होगा। मजनू तुझे मिस्टर बीस्ट पता है? हाँ मैं तो फैन हूँ, क्या यूनिक कंटेंट बनाता है, क्या पैसे और चीजें उड़ाता रहता है। दिवाली पे हम भी तो वही करते, पैसा दे के पटाखे खरीदते फिर उन्हें उड़ा देते। पेट नहीं भरा तो पटाखों पे बकेट रख के उड़ा देंगे, उससे भी पेट नहीं भरा तो पटाखों पे तवा बर्तन सिलेंडर रख के उड़ा देंगे। भाई सिलेंडर, उससे भी पेट नहीं भरा तो घर की बिल्लियां बच्चे बूढ़े रख के उड़ा देंगे। भाई कंट्रोल, भाई कंट्रोल। मजनू अगर हम दिवाली पे सोसाइटीज के बीच में होने वाली रॉकेट वॉर व्लॉग करेंगे तो 200 क्या 300 मिलियन मिस्टर बीस्ट निकलेंगे इंडिया से। भाई क्यों बेचारे के पेट पे लात मार रहे हैं? वैसे भी आलिया ने कहा है पोल्यूशन होता है पटाखों से। क्यों शादियों में खाना खाने चला जाता है पोल्यूशन? अरे पूरी के लिए जगह नहीं, एडजस्ट कर लेना साइड में। गाइस बहुत बड़ा मैसेज था ये, दीपावली की वजह से वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो वीडियोस में वो ही बताया है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ज्यादा होता है उसके। मजनू समर वेकेशन में और दिवाली वेकेशन में क्या अंतर है? भाई समर का लंबा है और दिवाली का छोटा। कभी कभी समझ में नहीं आता तू भोला है या हरामी। अरे समर वेकेशन पे गर्मी चूसती है और दिवाली पे टीचर। भाई मुझे भी मिलना है वो टीचर से। अरे मैं खून चूसने की बात कर रहा था, पहले तो 15 दिन की छुट्टी में 16 दिन होमवर्क दे देंगे। देखो टेंशन मत लो, इस बार मैं एकदम छोटा और सिंपल होमवर्क दूंगी। पहले इंग्लिश का माय बेस्ट फ्रेंड, इस पे निबंध लिख के आओ। वाओ, अभी हिंदी का मेरा प्रिय मित्र, इस पे निबंध लिख के आओ। अरे ये कितनी ऑसम है यार। अभी साइंस का माय बेस्ट फ्रेंड कैसे पैदा हुआ उसके ऊपर निबंध लिख के आओ। हिस्ट्री का आर्यभट्ट का प्रिय मित्र कौन था उसके ऊपर निबंध लिख के आओ। कौन होगा बे? महेश भट्ट। अभी मैथ्स का लिखो, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज क्यों की, अगर उसने नहीं की होती तो क्या होता,
उसके ऊपर निबंध लिख के आओ। इसकी माँ अभी सबसे सिंपल ड्रॉइंग का होमवर्क है। दिवाली का रॉकेट पता है? हाँ इजी है। हाँ उसी तरह इसरो का PSLV रॉकेट होता है, उसका प्रिसाइज डायमेंशन के साथ डिजाइन बनाओ। क्या मात रही? और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में उसी डिजाइन से रॉकेट बनाओ और उसमें अपने प्लूटो पे जाके लैंड करवा के लाओ। बस इतना ही तो था। देखो बच्चो, भूलना मत दिवाली खुशियों का त्योहार है, तो खूब मजे करना। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। भाई क्लाइमैक्स सुन के बहुत बुरा लगा। नहीं अभी तो प्लॉट ट्विस्ट बाकी है। अरे एक खुशखबरी तो देना, भूल ही गई। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। क्या? हाँ दिवाली के ठीक अगले दिन। हैप्पी दिवाली। करम जली नरक। जी जरूर, सबके साथ होता है ये वाला सीन। मेरे साथ भी हुआ, हमारे जब स्कूल लाइफ में थी, जब भी फेस्टिवल्स वगैरह हॉलीडेज मिलते थे, जैसा रीओपनिंग स्कूल रहते थे, जब से एग्जाम से चालू आए थे गाइस, बहुत इतना गुस्सा आता ना वो टाइम पे अंदर से टीचरों के ऊपर। मैं जलेगी, कीड़े तंदूरी बना के खाएंगे तुझे। दिवाली पे हम है बाबा जेकॉल, तुझे साफ करूंगा लगा के डेटॉल। नहीं नहीं दिवाली में मोती साबुन। तू इधर क्या कर रहा है बे? मैं तो मेरी दिवाली पे बनी है स्पेशल मिठाई बांटने आया था। अरे वाह, वैसे स्पेशल क्या है इसमें? ये मिठाई का आविष्कार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया था, ताकि इसको खाते ही वो हॉर्नी हो जाए। तो मुझे क्यों खिलाया? अरे कुछ तो हो रहा है मेरे को, मेरे तन बदन में आग क्यों लग रही है? लगता है शक्कर थोड़ी ज्यादा। वो नाग गोली वाला पटाखा किधर रखा है? हाय मैं मर जावा नागू, तेरी याद आवा। ये सुतली बॉम आइटम बॉम कैसे बन गया बे? क्या किया बे तूने भाई के साथ? अरे चिल ब्रो, 5 मिनट में असर चला जाएगा। हाय तेरी शेंडी में भेंडी का तेल लगा दू? भेंडी का तेल आज ही लाई मैं जापान से। 6 बजे तक रुक, वही जापानी तेल से मजनू तेरा इलाज करेगा। हाय कौन आने वाला है? तेरा बाप। ए परसा, ये हैंडसम मर्द कौन है? दिवाली के दिन बाप के पैर नहीं छुएगा। पैर क्या, सब कुछ छू लूंगी। डैडी डैडी नहीं सरकार जी बोल, हराम खोर। किंकी यू लाइक इट वाइल्ड? कैसी वाली हरकतें कर रहा है? कैसी वाली हरकत करूं सरकार जी? हो गए 5 मिनट। सरकार जी परसा, नहीं 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 छोड़ूंगा। नहीं तुझा भोकर छोन पापड़ी घाटली तो नावा था परशुराम सरकार नहीं मिली। ए जे कॉल मजनू के अंदर से सरकार जी भागा जल्दी। इम क्लीम यरुम्बा गुणुम्बा यसल उसल मिसल पोहा कंदा बो चाफार के उम्बट स्वाहा। आहा स्वाहा। आहा स्वाहा। आहा इधर गया मेरा पाप। ए बुढ़ाओ छोड़ दे प्रेस को। इधर गया मेरा पाप। आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। क्यों सुहागरात मनाएगा? आज तुझे मार के मुझे शांति मिलेगी। शांति को शुगर डैडी नहीं पसंद। तुझे मेरे से डर नहीं लगता? पागल कुत्तों का इलाज है मेरे पास। कुत्ता किसको बोला बे? ये कमरे में तेरे अलावा कोई भौंक रहा है? मेरी छड़ी दिख रही है? मेरे को लगा आपका डीडो है। मारा जाएगा, तू खुद 2 बार मर चुका है। ठीक से देख, तेरा काल हूँ मैं। अबे काल नहीं, मेरे बगल का बाल है तू। मजनू पे लटकने वाली डाले तू। 2020 का साल है तू, एक्सपायर्ड माल है तू। बिना दया का जेठा लाल है तू, शेम्बुड वाला रुमाल है तू। ये ले नाक पोछ ले, थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा सॉरी। अरे लोकेशन में यूरेनस के पहले परशुराम सरकार टाइप करना। मुझे क्या मिलेगा? नेक्स्ट टाइम टैंकर चिपकाने के लिए सेलो टेप। नाइस आइडिया, ठीक है परशुराम सरकार। नहीं 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 था। वीडियो के बाद क्या ही बोलूं मैं, तुम लोग देख लिए मेरी हंसी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीडियो किस कदर तहलका मचाने वाली है। बहुत जबरदस्त वीडियो था गाइस, बहुत बोल दो बहुत जबरदस्त वीडियो है। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों बताओ कि मैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस चीज के ऊपर बनाऊं या किस वीडियोस के ऊपर बनाऊं। मैं तो सोच रहा हूं बिग बॉस के ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाने के लिए। तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि बनाना चाहिए या किसी और के ऊपर बनाना चाहिए। और ये चैनल को गाइस प्लीज सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्यों बोलते जरा नया नया चैनल है अपना ग्रोथ। जैसा जैसा वीडियो आगे उनके पास जाएगा बनाने के वैसे भी इंटरेस्ट आता, मज़ा आता बनाने के वैसे, तो प्लीज़ आप एक काम कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक करो गाइस। तो अभी अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे करा, अल्लाह हाफिज़। अरे अरे रुको रुको रुको, एक बात तो बोलना भूल ही गया, वीडियो को जरूर लाइक करके जाना मेरी जान।